आदाब, नमस्कार। बच्चों के लिए गुलजार साहब लिखते हैं शेर और खरगोश। कहते हैं, बहुत ही बड़े एक जंगल में एक बार बहुत ही बड़ा एक ही शेर था। बहुत ही बड़ी उसकी मूछें भी थीं, बहुत ही बड़ी पूंछ उस शेर की। कभी पूंछ ऊपर उठाता था जब, तो पंछी भी पेड़ों पे डर जाते थे। निकलता था जब गार से और हुर्राता था, तो जंगल में सब डर के छुप जाते थे। बहुत सहमे सहमे से रहते थे सब। कभी कोई गीदड़, कभी लोमड़ी, कभी नीलगाय, कभी कोई सुअर, कभी एक दो और कभी तीन तीन। जहां भी मिले जिस कदर भी शिकार, वो जंगल का राजा था, खा जाता था। कोई भी अमन से जी नहीं पाता था। बहुत सोचकर सब के सब एक दिन सभा में मिले और किए फैसले। अगर शेर बाहर न आया करे, तो हर रोज पर्ची निकाला करें कि हर रोज बस एक ही जानवर खुद ही शेर के गार में भेजकर चैन से सब जी सकें। मगर शेर जी से ये कैसे कहा जाए। सभा में सभी सोच में पड़ गए। बहुत देर बाद बड़े पीर बकरे जी बोले कि मेरी उम्र तो यूं ही बाकी है कम, मुझे खाए जाता है बच्चों का गम। अगर शेर ने खा भी लिया तो क्या। सुनाया बड़े पीर ने जाके जंगल का ये फैसला। शेर जी सुन के पहले तो चौंके जरा, मगर गौर से सोचा जब मामला, तो समझे चलो अपनी मेहनत बची। ये जंगल भी अपना है, राजा भी हम, हमें ही तो होगा न प्रजा का गम। जबां फेर कर खुश्क होठों पे बोले, खबर कर दी जाएगी जनता को कल, मगर आज के दिन हलूम हलूम, आज तो आप ही मेरी खुराक हो। कहा और बस खा गया बूढ़े बकरे को शेर। दिन गुजरते गए, लोग घटते गए, महीने गए। यूं ही रोज खुराक जाती रही शेर के गार तक, कि एक दिन निकल आई बारी खरगोश की, तो वो घबरा गया। खरगोश की जो बारी आई वो घबरा गया, चला धीमे धीमे कछुए की चाल। पहुंचते पहुंचते उसे गार तक शाम होने लगी। उसे देखकर शेर भन्ना गया, छटंकी बराबर ये खुराक भेजी है जंगल ने, और इस कदर देर से मिटा दूंगा खरगोश की जात को, मैं जंगल का जंगल ही खा जाऊंगा। सुना और खरगोश रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर इसमें मेरी नहीं है खता, न जंगल सभा का कोई दोष है। जंगल ने तो 7 खरगोश भेजे थे, मगर क्या, मगर क्या, क्यों हकला रहे हो बताओ मुझे। मगर सर, कहां है तुम्हारे 6 गद्दार साथी। यो खरगोश फिर से सिसकने लगा, हमें रास्ते में हुजूर एक जालिम ने रोका था और बहुत गालियां दी आपको। कहा, मैं दोहराऊं कैसे वो सब कुछ हुजूर। कहा, जाओ कह दो मेरे साथियों को कि वही खा गया। ये सुनना था कि शेर गुर्राया, मूछों में बल आ गए, अकड़ने लगी उसकी हंटरी पूंछ, और आंखों में बस खून उतरने लगा। कहां है, किधर है, बता कौन है, मेरे होते हुए किसका हुआ हौसला कि मेरी रियाया पे कोई जुल्म कर सके।
वो है आपकी जात का सर, मगर मैं वो कहता था सर, जंगल का राजा असल में वो है। लपक के उठा शेर, बोला बता कहाँ है, बता उसको मैं कच्चा चबा जाऊंगा, उसको मैं कच्चा चबा जाऊंगा। वो पीपल की पौड़ी के पीछे जो कुआ है ना, वहीं पे छुपा है वो कायर हुजूर। पलक के झपकते में पहुंचे कुएं पे, खरगोश और शेर खड़े होके कुएं पे। उस शेर ने जो पानी में देखा तो हां, शेर ही था वो, पानी में उसकी ही परछाई थी, मगर शेर समझा कि कोई दूसरा शेर है। तो उसने भी दिखलाए वैसे ही दांत, ये गुर्राया, गुर्राई परछाई भी। शेर गुर्राया तो गुर्राई परछाई भी। पलट के कुएं से जो आवाज लौटी, यूं समझा वो आया, शेर समझा कि वो आया। ये कूदा छपाक से पानी में और डूब के मर गया शेर। वो समझा वो आया, ये कूदा छपाक से पानी में और डूब के मर गया। खुशी से जो उछला है खरगोश तो, खुशी से जो उछला है खरगोश तो, अभी तक उछल कर ही चलता है वो। क्या बात है गुलजार साहब, शेर और खरगोश, खास तौर से बच्चों के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो मेरी YouTube चैनल बीना काक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सेहतमंद रहिए।